कई स्टार्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और काफी फेमस रहे। इसमें से कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अभी तक अच्छी पहचान बनाई है, तो कई ऐसे भी स्टार्स हैं जिन्होंने फिर से शुरुआत की। हम उन टीवी स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक खूब नाम कमाया है, और इस लिस्ट में बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम शामिल हैं। तो आइए आपको भी बताते हैं उन स्टार्स के बारे में जिनमें अब बहुत बदलाव आ चुका है और बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखते हैं। अविका गौर। अविका जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने सीरियल बालिका वधु में आनंदी के रूप में काफी पसंद किया गया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने ससुराल सिमर का में एक्टिंग की, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा महिला का किरदार निभाया। अविका साउथ में भी काफी फेमस रही हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। जन्नत जुबेर। जन्नत को 2011 में फुलबा के रूप में काफी पसंद किया गया। इसके बाद काफी पॉपुलर हुई थी वो। इसके बाद वो दिल मिल गए, काशी अपना रहे, तेरा कागज कोरा, माटी की बन्नो जैसे शोज का हिस्सा रहे। जन्नत ने आपके आ जाने से तुआश की और कई दूसरे शोज में भी काम किया। इसके अलावा जन्नत लोकप्रिय स्टार है और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। अदिति भाटिया। अदिति ने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। फिल्म शूट आउट एंड लोखंडवाला, द ट्रेन और चांस पे डांस में बेहतरीन किरदार भी निभाया था। आपको बता दें कि अदिति कॉमेडी सीरियल होम स्वीट होम में भी दिखाई दी थी। अदिति ने 2016 से 2019 तक यह मोहब्बते में रूही भल्ला का किरदार निभाया था, जिससे उनको काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। एहसास चन्ना। बाल कलाकार के रूप में अक्सर एहसास को एक लड़की की भूमिका निभाते देखा जाता रहा था। एहसास को हिट फिल्मों में देखा गया, जैसे वास्तुशास्त्र, कभी अलविदा ना कहना, माई फ्रेंड गणेशा। बड़े होने के बाद एहसास एक बड़ा चेहरा बन गई थी। उनको गर्ल्स हॉस्टल, कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज, द इंटर्न्स और कई वेब सीरीज में भी देखा गया। अशनूर कौर। अशनूर कौर ने झांसी की रानी, साथ निभाना साथिया, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, देवो के देव महादेव समेत कई हिट फिल्मों और सीरियल्स में देखा गया। आपको बता दें कि अशनूर ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के रूप में एक साल तक अहम किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कोई लौट के आया है, पटियाला बेब्स और परी हूं मैं में रोल प्ले किया। किंशुक वैद। किंशुक वैद वही एक्टर हैं जिन्होंने बचपन में शाकला का बुम बुम में संजू की भूमिका निभाई थी। इस शो में वो एक जादुई पेंसिल वाला लड़का थे। उनको इस शो के कारण काफी नाम भी मिला था और एक जाना माना चेहरा भी बने थे। बड़े होने के बाद उन्होंने कुछ शो में जैसे जात ना पूछो प्रेम की, कर्ण संगनी जैसे कई शोज किए थे। और रजत टोकस। रजत टोकस ने धरती का वीर योद्धा, पृथ्वीराज चौहान, जोधा अकबर और चंद्र नंदिनी जैसे शोज किए। इससे पहले वो 1995 से 2005 तक बाल कलाकार के रूप में देखे गए थे। रजत आखिरी बार नागिन 3 में विक्रांत के रूप में नजर आए थे। वेल, टीवी के सभी नन्हे किरदार अब बड़े हो चुके हैं और बेहद ही ग्लैमरस हैं, और इनके इंस्टाग्राम पर ढेरों फॉलोअर्स भी हैं जो इनके स्टाइल पे मरते हैं।